तो जैसे कि हमने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया कि हम लोगों को 90% ऑफ मिलने वाला है विंगमैन में। जी हाँ गाइस, ये जो विंगमैन आप देख पा रहे हो ये मैं नहीं कह रहा, ये पबजी मोबाइल ने खुद कहा है कि हम लोगों को 90% ऑफ मिलेगा नेक्स्ट रॉयल पास में। लेकिन गाइस ये रॉयल पास के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये चीज़ देखना पड़ेगा। मैं आपको पूरी तरह से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ नया नया आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है क्योंकि तीनों मैप में, जी हाँ गाइस, इरांगल, मीरामार और लिविक, ये तीनों मैप के अंदर हम लोग को ये एंसेंट मोड देखने को मिलेगा। अब ये जो विंगमैन है ये 90% ऑफ में हम लोग को कैसे मिलेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो देखते रहो गाइस, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपडेट आएगा कब। ये आने वाला है 13 जुलाई को। जी हाँ गाइस, कुछ ही दिन रह गए हैं और कुछ ही दिन में हम लोग को लीक्स भी देखने को मिल जाएगा रॉयल पास का। अब इसका की चेंजेस क्या होने वाला है, जैसे देख पा रहे हो न्यू थीम मोड एंशिएंट सीक्रेट एसेसिन एक्सटेंशन इज आउट नाउ, एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ द इंपीरियल टेम्पल। तो ये जो है तीन मैप्स में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा गाइज। और इसके साथ हम लोग जो है ब्लैक पिंक का फर्स्ट वर्ल्ड वर्चुअल कॉन्सर्ट भी देखने को मिलेगा। अलग से एक तो जो है कॉन्सर्ट वाला हम लोग को लॉबी देखने को मिलेगा जो कि काफी सही रहेगा, जैसे आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद जो आप देख पा रहे हो इस तरीके का हम लोग लॉबी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि गाइज हम लोग जो है इस बड़ा जो मॉन्स्टर देख पा रहे हो ना, ये बड़ा मॉन्स्टर फैरो, इसको जो हम लोग जाकर मारना भी पड़ेगा ठीक है टेम्पल के अंदर में। तो अगर इसको आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके देख लेना गाइस। पूरा पूरा जो है मैंने वीडियो पूरा डिटेल बना दिया इसका कि एग्जैक्टली मैप के अंदर कैसा क्या क्या रहेगा, कहाँ जाना पड़ेगा आपको और कैसा किस तरीके से हम लोग को जो है मिशंस दिया रहेगा जिसको हम लोग जो है खोज जाके खोजना पड़ेगा ठीक है। पूरा पूरा डिटेल समझा दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट गाइस आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है रिसर्च करने के लिए बोला जाएगा। जैसा देख पा रहे हैं हमें रिसर्च द एंशिएंट सीक्रेट इन द मिडस्ट ऑफ इंपीरिटेबल सैंडस्टॉर्म, अ स्टैच्यू ऑफ फैरो राइजेज, द ममीज, वॉरियर गार्ड्स एंड द सीक्रेट ऑफ मिस्टीरियस रुइंस वेयर डेंजर लर्क्स एट एवरी स्टेप, बट वेयर देयर इज डेंजर देयर आर काउंटलेस ट्रेजर्स। तो आपको बहुत सारे जो है लूट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे ट्रेजर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे लूट मिलेंगे, ऑम से लेके M4 सब कुछ मिलेगा। कैन यू लीव द सैंडस्टॉर्म अलाइव गाइस? बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको अलग से टेम्पल के अंदर में एक बहुत बड़ा फैरो मिलेगा, लेकिन वो फैरो को जगाने के लिए आपको बहुत सारे जो है मिशंस को कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो मिशंस आप जैसे जैसे करते रहोगे ना उसके बाद ही जो है वो बड़ा फैरो राइज होगा ठीक है, उसके बाद ही जो है आपको बहुत सारे लूट भी मिलेंगे वहां से। तो ये सारे चीज जो है मैंने बता दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे इस वीडियो में। नेक्स्ट अब देख पा रहे हो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन से हम लोग को टीयर रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। इस ब्लू कलर का एक आउटफिट रहेगा लेडी का, जहाँ पे हम लोग को हेडगियर भी मिलेगा। सीजन 7 साइकिल 3 हैज बिगन, कंप्लीट न्यू मिशंस डेडिकेटेड टू द एंशिएंट सीक्रेट टू गेट मेमोरेबल टाइटल्स। इसका मतलब कि हम लोग एक और नया टाइटल भी मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को जो है जगह जगह जा जाके खोजना पड़ता है ना, बस देखना पड़ता है कि वो टाइटल का जो है जो लुक है वो किस तरह की, क्योंकि हर बार जो है वो सेम टाइप के लुक देता है, बस नाम जो है वो चेंज कर देता है। वो लुक्स को देखते ही चेंज करता है कि नहीं इस बार, क्योंकि लुक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना लुक्स का ना कोई उसको लेना पसंद ही नहीं करता। सीजन ड्यूरेशन फ्रॉम जुलाई 19 जो हम लोग को नया रॉयल पास नया सीजन स्टार्ट होगा, और जो अपडेट है ना वो 13 जुलाई को आएगा। तो समझ लेना गाइस दोनों का डिफरेंस है, अपडेट का डिफरेंस अलग है और यहाँ पे नया सीजन का भी जो है डिफरेंस अलग है ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को टीयर रिवॉर्ड करती है। अब बात करते हम लोग जो है रॉयल पास में, जहां पे हम लोग को वो विंगमैन मिलने वाला था। अब गाइस 19 जुलाई के आसपास हम लोग को जो है रॉयल पास देखने को मिलेगा, और वहां पे देख पा रहे हो क्या लिखा गया है, द न्यू रॉयल पास मंथ हैज ऑलरेडी बिगन, गेट द एक्सक्लूसिव आरपी विंगमैन स्किन फॉर 90% ऑफ एंड गेट सुपर पॉइंट्स बैक इन मिशंस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना विंगमैन 90% ऑफ, इसको कैसे वो लोग डालते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखना पड़ेगा कि रॉयल पास के अंदर जो है लोग विंगमैन कार डालेंगे, क्या रिडीम में डालेंगे या फिर एक और नया सेक्शन बनाएंगे जहाँ में हम लोग को जो है 90% ऑफ मिलेगा जो जो आरपी को परचेस करेंगे ठीक है, ऑफ एंड गेट सुपर पॉइंट्स बैक। ये सुपर पॉइंट्स क्या चीज़ है ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। तो अवेलेबल है जुलाई 19 तक वेट करना पड़ेगा। सुबह सुबह जो आपको वीडियो मिल जाएगा, इस चैनल से जुड़े रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा स्नाइपर राइफल हम लोग को देखने को मिलेगा AMR नाम का, जो कि हम लोग को ड्रॉप के अंदर देखने को मिल सकता है ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है, ओम जैसे ही पावरफुल है तो इसको तो खुले में नहीं देने वाले, इसको जो है हम लोग को ड्रॉप में ही देखने को मिलेगा ठीक है। अब ये का जो है ये स्नाइपर राइफल जो है ना ये मिनी 14 की तरह है, ये ओम की तरह नहीं कि बार बार आपको रिलोड करना पड़ेगा, ये स्नाइपर जो है मिनी की तरह है, लेकिन जो है डैमेज इसका ओम की तरह है, मतलब एक या दो शॉट के अंदर ना अब आराम से बंदों को नॉक कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि अगर मान लो हल्का डैमेज भी रहा हो तो आपको एक ही शॉट में उसको गिरा दोगे ठीक है, क्योंकि 3 से 4 शॉट में ये गाड़ी को भी उड़ा दे रहा था। समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल गन है ये AMR। ऑम में जो है मिनिमम 6 से 7 गोली लग रहा था, वहीं AMR में 3 से 4 बुलेट में ही उड़ा दे रहा था ठीक है। तो यही था इस पूरा डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा ओपी था, लेकिन इसमें रिकॉयल जो था ना बहुत ज़्यादा रिकॉयल था इसमें, ऑम से भी मतलब बोल सकते हो कि into 4 times रिकॉयल था, ऊपर उड़ जा रहा था ठीक है। तो यही था इस पूरा वीडियो, पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।